इसमें तो कोई फायदा नहीं है। बात सुनो, हाँ जी बाबा जी की जय हो। चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे कोई संस्था हो, उसको लेकर जो लोग है वो लगातार है, उसका जो है लगातार जो तस्वीरों में किसी स्कूल द्वारा जो है आज यहाँ पर जो कैंडल मार्च किया गया। प्रदेश में हम बात कर शिमला में, तो शिमला में भी जो है इस तरह जो है चाहे आम जनता है हिमाचल के प्रदेश की बात करें तो दुनिया जो है मामला वो भी धीरे धीरे जो लोगों से अभी जो है लोगों के मन में है पूरे देश में हो रहे हैं, हमारे प्रदेश में हो रहे हैं क्या न्याय। मेरा नाम दुमी सिंह है और न्याय हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रही है, पर बात यह है कि कितना समय हो चुका है। अलग अलग संस्थाएं सामने आ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग नियम बन रहे हैं, अलग अलग एप्स बन रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है, और जिस हैवानियत के साथ ये हो रही है उसकी सीमा भी बढ़ती जा रही है। तो ये समय है कि हम जो फंडामेंटल इशू है, जो मौलिक मुद्दा है, उसके ऊपर काम करें और सारे बच्चों को, पुरुषों को इस तरह से हम उनको अवेयर करें, उनको सेंसिटाइज करें, एजुकेट करें कि वो बचपन से ही इस तरह से चले कि इस तरह के अपराध ना करें। हम विश्वास करते हैं प्यार की ताकत में और अहिंसा में। हम डेथ सेंटेंस में विश्वास नहीं करते हैं, पर विश्वास करते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए और एक स्विफ्ट जस्टिस भी मिलना चाहिए। अगर हम डेथ सेंटेंस मांगते हैं तो उससे हम देखते हैं कि जितने लोगों को भी कठोर से कठोर पनिशमेंट मिलती है, बदलाव उससे नहीं आ रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम उनको, उनकी मानसिकता को चेंज करें। मानसिक सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक कोई कठोर कानून नहीं बनता है, जब तक एक्चुअली यहाँ हमारे हिमाचल में गुड़िया कांड हुआ था, हमने उस पर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, तो यहाँ तक जितनी भी गवर्नमेंट हमारी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी अदर है, तो ये लोग सिर्फ अपने दो चार दिन के लिए थोड़ा इशू खड़ा कर देते हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ तक सीबीआई तक केस, सीबीआई के पास केस था तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो जब तक इस केसेस में तो यही बनता है, या तो स्पॉट पे जो भी लोग हैं उनको शूट एट ऑर्डर का, इस तरह का ऑर्डर मिले, या डायरेक्ट इसकी सारे केसेस में फांसी मिले। क्या लगता है कि हमारी कानून व्यवस्था सही नहीं? कानून व्यवस्था ऑलमोस्ट तो जहां तक दिखते है इन सारे केसेस में तो मुझे ठीक ढंग से नहीं लग रही है। आपने देखा ही होगा मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तीन चार दिन से हदस केस में, और साथ में घर वालों को कैदी बना के रखा है, जहां पे वो बेचारे बुरी सिचुएशन में खड़े हैं और उनको एक कैदियों की तरह घर के अंदर रखा जा रहा है। तो इस तरह से तो कानून की जो व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। कानून की व्यवस्था। मेरा नाम महेश ठाकुर, मैं स्टेट फ्रांसिस्को।